एक समय की बात है, एक कलाकार अपने औजारों को थैले में भरकर जंगल की ओर चल देता है। थोड़ी दूर चलते चलते उसको रास्ते में एक बहुत ही सुंदर पत्थर दिखता है और बहुत सोचता है, क्यों ना इस पत्थर से मैं एक मूर्ति बनाऊं। फिर वो अपने थैले से औजार निकालता है और औजारों से पत्थर को तराशना शुरू कर देता है। तभी पत्थर में से एक आवाज आती है, अरे भाई रहने दो ना, दर्द होता है। यह सुनने के बाद कलाकार अपने औजारों को अपने थैली में भरकर आगे चल देता है। चलते चलते उस कलाकार को रास्ते में और एक बहुत सुंदर पत्थर दिखता है। इस बार वह इस पत्थर से मूर्ति बनाने का सोचता है और वह अपने औजारों को बाहर निकालकर एक भगवान की मूर्ति तराशना शुरू कर देता है। इस बार इतने बढ़िया से मूर्ति को तराशता है, देखने से लगता है जैसे मानो पत्थर की मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। फिर वह कलाकार अपने कलाकृति को वही छोड़कर आगे चल देता है। चलते चलते वह कलाकार एक गांव में पहुंचता है और देखता है वहां एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ होता है और वहां के लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उसे पता चलता है मंदिर का निर्माण हो गया है, लेकिन अभी मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ है। मूर्ति कहाँ से लाए? तभी वह कलाकार सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी आप मूर्ति की बिल्कुल चिंता ना करें, आप जंगल के इस रास्ते चले जाएं, आपको रास्ते में एक सुंदर मूर्ति मिल जाएगी। मैंने अभी उस मूर्ति को तराशा है, आप उसको इस मंदिर पे स्थापित कर सकते हैं। यह सुनने के बाद सरपंच जी कुछ लोगों के साथ जंगल के रास्ते चल देता है वह मूर्ति लाने। उनको मूर्ति मिल जाती है और मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। अब लोग आते हैं और मूर्ति के सामने अपना सर झुकाते हैं और मन्नत मांगते हैं। मगर उस मंदिर में नारियल फोड़ने का कोई जगह नहीं होता। तब सरपंच जी के मन में विचार आता है, नारियल फोड़ने के लिए मंदिर के बाहर एक पत्थर होना चाहिए। तभी वो कलाकार सरपंच जी से उस पहले वाले पत्थर के बारे में बताता है जिसको वो मूर्ति बनाना चाहता मगर बनाया नहीं था। यह सुनने के बाद सरपंच जी उस पत्थर को भी जंगल से उठाकर लाता है और मंदिर के बाहर रख देता है। अब जो भी मंदिर में पूजा करने आता है उस पत्थर के ऊपर अपना नारियल फोड़ता है। फिर एक दिन दोपहर के वक्त उस मंदिर में कोई नहीं रहता है। तब दोनों पत्थर आपस में बात कर रहे होते हैं। जिस पत्थर पर आज सब नारियल फोड़ते हैं वो पत्थर मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है, अरे वो पत्थर तेरी क्या किस्मत है, तुझे आज भगवान बनाकर पूजा जा रहा है, तेरी इतनी आरती उतारी जा रही है। यह सुनने के बाद मूर्ति वाला पत्थर बोलता है, अगर तू मेरी तरह सहन कर लिया होता तो आज तू मेरी जगह बैठा होता। जी हाँ दोस्तों, अगर वह पत्थर जिस पर आज नारियल फोड़ा जा रहा है अगर वो उस दिन दर्द सहन कर लेता तो आज वो भगवान होता और उसकी पूजा और आरती हो रही होती। आज के प्रेरणादायक हिंदी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों आज की कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस दुनिया में उसी इंसान को पूजा जाता है जो सक्सेस होता है, और सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने जीवन में कुछ बनने के लिए बहुत दर्द को झेलता है। इसलिए दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आप आज जो भी कर रहे हैं आप उसको लगन और कड़ी मेहनत से करिए, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर बिजनेस, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों इस कहानी की तरह हम सबकी कहानी है, जो लोग दर्द सहते हैं वही अपने जीवन में कुछ बड़ा बन पाते हैं और उन्हीं को लोग पूछते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही कहानियां लाते रहते हैं। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।